अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर असद कमाल हूँ, वर्किंग एज कार्डिक एनेस्थेटिस्ट एट पीएफ हॉस्पिटल्स इस्लामाबाद। हमारे हॉस्पिटल में दिल को मरीजों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कार्डिक सर्जरी और आईसीयू केयर की सर्विसेज मुहैया की जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है इट्स वेरी प्रोफेशनल एंड डेडिकेटेड, जिनमें से आज हमारे साथ मौजूद है हमारे कार्डिक नर्सिस जोशुआ, जाहिद एंड हमारे एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हैं मोहम्मद अवैस, जो कि पेशेंट फैसिलिटेशन और डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन का भी काम करते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात अपने एक मरीज से करवाता हूँ जिनका रिसेंटली बाईपास ऑपरेशन हुआ है, कि उनका यहाँ का कार्डिक सर्जरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजी मोहम्मद है और जान डेल्टा टी एफ से इन गाय एडमिशन फसल दफा बरे के ज यू ई द सलाय व ज यू ई से डेर वक्त ना आया और बियमत युवार देश के 1:30 बजे तकरीबन मजदा आठे को शो द 10 व पी एन मुका हुस अस्पताल त लुड़त बसुरत जदर जायरन सही वो बियज डायरेक्ट लगा पाकिस्तान त जो मोट्रेवल वो का ना दिल दई सा रोल डॉक्टर फरीद डॉक्टर फरीद साहब डॉक्टर लुबना और बाकी अच्छी कीम ठीक था डॉक्टर असद यानी टोटल जदावी मुसरा ढेर जीत हेल्प तो उछलाई और गाँव में वो क्या ऑपरेशन में वो गाँव मत से तकलीफ नशा मिला लगा मैं सही ज़रा तकलीफ मत नशा मिला उसे ढेर बना खुश हो लिया माशाला और ढेर खुआनी हो गाँव ऑपरेशन में बिल्कुल अलहमदिल्ला 100% और नर्त तकलीफ पर आते जाओ ओ देर सशी तकलीफ मजा नाराज मसलन खुआ रोग दे शोक नुस्ताई बिलुड़ाई ए मुझे देखी तुम ढेर जीत खाल से ढेर शुक्र गुजारिया बस खुदाई पाक लाख लाख शुक्रिया दूजे मत खुदाई से हाथ रुकाओ ढेर जर और ढेर माशाला ढेर पमीना सारा मुसरा रसूर ढेर पमीना तेरे गले वनडे माशाला जबे ढेर शुक्रिया अदा गाओ खासकर डॉक्टर फरीद ला साहेब डॉक्टर लुबना माशाला द मोडर शाओ कौन शाह सिफ्टी में ओगड़ला ओ अस्पताल माशाला ना जी की तरतीब दाई शाह सफा सीटिंग प्रोग्राम ये बिल्कुल ओके दाई यानी मरीज का ऐसा तकलीफ नहीं पकेगा ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर ख़ान है और मैं के पी के से बिलोंग करता हूँ बन्नू से। मैं आया हुआ हूँ मामू के साथ, मामू की 2 दिन पहले सर्जरी हुई है पी एफ हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। मामू का अटैक हुआ था दुबई में तकरीबन 1 महीना पहले, तो उनको हम पाकिस्तान लेके और पाकिस्तान में इधर आके डॉक्टर फरीदुल्लाह से उनकी मुलाकात करवाई। डॉक्टर फरीदुल्लाह ने उनको इधर एडमिट किया है। तो अभी यह है कि मामू की सर्जरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह और काफ़ी बेहतर है उनकी तबीयत भी। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि हॉस्पिटल में जो हमें मिली है वो एक तो कोऑपरेटिव एटीट्यूड था डॉक्टर्स का, नर्सिस का एंड सीनियर डॉक्टर्स का। उसमें बेसिक चीज़ ये थी कि हमें टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहे, पेशेंट का ख्याल रखते रहे एंड ये है कि उसका अभी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आईसीयू से आज हम डिस्चार्ज हो रहे हैं, रूम में चेंज होंगे इधर से। और दूसरा ये कि डॉक्टर फरीदुल्लाह, डॉक्टर लुबना, डॉक्टर असद, डॉक्टर उमर एंड अवेस और बाकी जो टीम है, इन लोगों ने बहुत ख्याल रखा है पेशेंट का। मैं तो इंशाल्लाह यही रेफ़र करूँगा पीएफ हॉस्पिटल और इनकी जो टीम है, इनके जितने भी काबिज पेशेंट हैं वो इनके पास एक दफ़ा ज़रूर आए। बाकी ट्रीटमेंट जहाँ से मर्ज़ी करवानी हो लेकिन एक दफ़ा ज़रूर आए पीएफ हॉस्पिटल इस्लामाबाद।